हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप सब अपने घरों में सेफ है एंड हेल्दी है। सो आई एम बैक अगेन विथ वन मोर टिप्स। पिछले वीडियो में आप सब लोगों का इतना सारा प्यार मिला है एंड इट रियली मोटिवेट्स मी कि मैं और एक नया टिप ले आऊं आपके पास। सो इतना सारा प्यार दिखाने के लिए बहुत 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 थैंक यू। एंड हाँ, आज जो मैं टिप्स लाई हूँ वो है एक मैजिकल हेयर ऑयल जिसके लगाने से आपके हेयर ग्रोथ अच्छे होंगे। पहले आप ये समझ लीजिए हम लोग हेयर ऑयल्स क्यों लगाते हैं। हेयर ऑयल्स से जब हम स्कैल्प पर मसाज करते हैं उससे ब्लड सर्कुलेशंस बढ़ते हैं। ब्लड सर्कुलेशंस अगर बढ़ेंगे तो आपकी हेयर ग्रोथ अच्छे से होंगे एंड बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और नए बाल भी आते हैं। सो हेयर ऑयल से मसाज करना ट्वाइस ए वीक इज वेरी नेसेसरी। पर हर एक हेयर ऑयल आपको बाजार में बहुत सारे हेयर ऑयल्स मिल जाएंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि हर एक हेयर ऑयल में क्या इंग्रेडिएंट्स है, कौन सा इंग्रेडिएंट्स का क्या बेनिफिट्स है जो आप बालों पे लगा रहे हो। सो मैं आज एक ऐसा हेयर ऑयल बनाने वाली हूँ बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ और हर एक इंग्रेडिएंट्स का डिस्क्रिप्शन मैं अच्छे से दूंगी आगे जाकर वीडियो में। आपको प्लीज डिस्क्रिप्शन देखिए और समझिए कि हर एक इंग्रेडिएंट्स का यूजेस क्या है, बिकॉज आप लोग अगर यूज करेंगे आपको पता होना चाहिए हर एक इंग्रेडिएंट्स का क्या यूजेस है। ओके, सो चलिए हेयर ऑयल बनाते हैं। सो इस ऑयल को बनाने में के लिए आपको इन सब इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। सो मैं एक एक करके इंग्रेडिएंट्स बोल रही हूँ। पहला तो है नीम के पत्ते। नीम के पत्तों में एंटी फंगल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपको डेंड्रफ को रिड्यूस करते हैं, आपको हेयर फॉल को घटाते हैं एंड नए बाल आने में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट जरूरत पड़ेगी करी लीव्स। करी लीव्स में बीटा कैरोटीन एंड प्रोटीन्स होते हैं जो आपकी हेयर फॉल को घटाते हैं, नए बाल आने में मदद करते हैं एंड इट ऑल्सो कंटेन्स एमिनो एसिड्स एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स जो आपके हेयर रूट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपके स्कैल्प को भी मॉइस्चराइज करते हैं। नेक्स्ट ये रेड हिबिस्कस। रेड हिबिस्कस में विटामिन सी बहुत होते हैं एंड एज वेल एज एमिनो एसिड्स होते हैं जो आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करते हैं, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बनाते हैं एंड गंजेपन से भी आपको छुटकारा देते हैं। नेक्स्ट ये तीन तरह के तेल। पहले तो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं जो आपके स्कैल्प को नरिश करते हैं एंड आपको आपके बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं एंड स्मूथ बनाते हैं। नेक्स्ट कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बहुत सारी चीज़ों से आपके बालों की रक्षा करते हैं, जैसे डैंड्रफ एंड इट मॉइस्चराइजेस योर हेयर, आपके बालों को स्मूथ बनाते हैं, आपके स्प्लिट एंड्स को रोकते हैं एंड इट एक्ट्स लाइक ए कंडीशनर। नेक्स्ट आते हैं आपके कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं। अगर कैस्टर ऑयल को आप स्कैल्प में मसाज करेंगे तो आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेंगे, आपके हेयर ग्रोथ में भी काफ़ी सुधार आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है विटामिन ई के कैप्सूल्स। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और आपके स्कैल्प को भी अच्छे से हेल्दी वे में मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट कलौंजी, ब्लैक सीड्स, कुछ लोग काला जीरा भी बोलते हैं। काले जीरे में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके बालों का झड़ने को कम करते हैं प्लस प्रीमेच्योर ग्रेन ऑफ हेयर को भी कम करते हैं। सो कलौंजी बहुत इम्पॉर्टेंट है एक हेल्दी हेयर बैलेंस के लिए। नेक्स्ट है मेथी के दाने। मेथी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं एंड निकोटिनिक एसिड कंटेंट होते हैं जो आपके डैंड्रफ को दूर करते हैं, जिसके वजह से आपके बाल झड़ना कम होते हैं एंड आपके स्कैल्प की ड्राइनेस को कम करते हैं, गंजेपन से दूर रखते हैं एंड प्रीमेच्योर हेयर लॉस से आपको
बचाते हैं। नेक्स्ट है ये क्लोव यानी लौंग। लौंग में एंटीऑक्सीडेंट्स भर बहुत मात्रा में होते हैं, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, आपके स्कैल्प को अच्छे रखते हैं और नए बाल आने में भी मदद करते हैं। तो ये सारी चीज़ों से मैं आज का ये मैजिकल ऑयल बनाने वाली हूँ। ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स देख रहे हो आप लोग, कि मेरे 2 महीने की ऑयल तैयार हो जाएंगे, जो मैं 2 महीनों लगातार यूज कर सकते हो। आप चाहे तो 6 महीनों का तेल भी एक साथ बनाकर रख दे सकते हो, लगातार यूज कर सकते हो आप लोग। तो चलिए बनाते। तो ये एक कोई भी बॉल ले लीजिए आप लोग, जिसमें आप कोई भी बॉल ले लीजिए आप लोग जिसमें आप तेल गरम कर सकते हो। तो एक एक करके मैं सारा तेल डाल रही हूँ। निकाल लीजिए। मैं सारे विटामिन ई के कैप्सूल्स यहाँ पर डाल चुकी हूँ तोड़कर। सो एक एक करके मैं बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ। अब 2 चम्मच मेथी मैंने ली है। मैंने इतने सारे हिबिस्कस लिए थे, इतने सारों की मेरी चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं मैक्सिमम 5 यूज़ करने वाली हूँ। हिबिस्कस बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, पर हाँ अच्छे से धो लीजिएगा। मैंने 5 या 6 यूज़ किए हैं हिबिस्कस। तो इस तेल को मैं अच्छे से गर्म करने वाली हूँ एंड मिलते हैं गरम करने के बाद तेल। तो मैंने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो सारी चीज़ें एकदम मुरझाई हुई से लग रही है अभी। तो मैं इस तेल को ओवरनाइट के लिए छोड़ दूंगी, ताकि तेल ठंडा हो सके और जो भी इंग्रेडिएंट्स है उससे सारा न्यूट्रिएंट्स तेल में अब्सॉर्ब हो सके। तो मैं इस तेल को पूरे रात भर, आप चाहे तो 6 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, फिर उसको मैं एक बॉटल में डाल दूंगी, जिससे मैं अब तेल लेकर 2-3 महीना जितना भी महीना हो यूज़ कर सकती हूँ। तो मिलते हैं तेल ठंडा होने के बाद।
तो ये तेल ठंडा हो चुका है, मैंने ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ दिया था, तो ये पूरा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको छान कर एक जार में रख लेंगे। मैंने तेल को ले लिया है इस कटोरे में एंड इसको अच्छे से मसाज करके, स्कैल्प में मसाज करके लगाना है ताकि बालों के जड़ तक ये तेल जाए। पूरे बालों में इवनली लगा लीजिए और अच्छे से मसाज कीजिए। मिनिमम 5-6 मिनट सर की मसाज कीजिए। मसाज करने से बालों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी और बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। आप चाहे किसी भी तेल से मसाज तेल लगा लीजिए, मसाज करना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह से इवनली बालों पर लगा लीजिए। मैंने अपने बालों पर तेल लगा लिया है एंड अच्छे से मसाज किया है मिनिमम 5-6 मिनट्स और एक बन बना लिया है। इसमें तेल को मैं ओवरनाइट रखने वाली हूँ। अगर किसी के लिए ओवरनाइट रखना पॉसिबल नहीं है तो मिनिमम 1-1.5 घंटा आप इस तेल को रखिए एंड बाद में माइल्ड शैम्पू से सर धो लीजिए। तो हालांकि मैं ओवरनाइट रखने वाली हूँ, तो मिलते हैं कल सुबह। थैंक यू। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने बालों पर ऑलरेडी शैम्पू कर लिया है। मैंने तेल को ओवरनाइट रखा था, मेरे बाल काफी अच्छे हो गए, काफी सॉफ्ट हो गए, एक बाउंसीनेस है बालों पर। एंड ट्रस्ट मी, मैंने अभी तक बालों पर कंघी नहीं किया है नहाने के बाद, पर ये लग नहीं रहा है। बस बाल काफी सॉफ्ट हो गए और सुलझे हुए लग रहे। आप भी इस तेल को बनाइए, घर में यूज कीजिए। जरूरी नहीं है कि इस तेल को आप सिर्फ 2 महीने के लिए बनाए, इस तेल को 6 महीने के लिए बनाकर भी आप स्टोर कर सकते हो, ये खराब नहीं होगा। और आई कैन श्योर यू, इसके रिजल्ट्स आपको कुछ दिन के इस्तेमाल से ही नजर आएगा। बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं बालों पर। प्लीज, कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है इस तेल में, तो आप बेझिझक यूज कर सकते हैं। इस तेल को बनाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगा एंड आई होप मेरी मेहनत रंग लाएगी, बिकॉज आप पर जब ये अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट देगा तब मेरी मेहनत सक्सेसफुल होगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आपके सारे रिव्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। अगर कोई सुझाव है वो भी आप डाल सकते हो एंड मैं आपके सुझाव पर काम जरूर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टिप्स के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर and goodbye.